दोस्तों एक ट्रिप हो चुका है, ये दूसरा ट्रिप अभी हो रहा है और ऐसे ही तीन चार ट्रिप और होगा। नमस्कार दोस्तों, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज अभी मैं विद्यालय से लौट कर आया हूँ और उसके बाद अभी हम लोग, मैं और पत्नी, हम लोग जा रहे हैं धान उसनने के लिए। उसनने मतलब उष्ण करना, उसको गर्म करना। दोस्तों अभी हम लोग दूसरे घर पर आ गए हैं जहाँ पे गौ माता वगैरह बंधी रहती है और बिचाली वगैरह जो पराली रखे थे हम लोग। ये चूल्हा हम लोग का तैयार हो चुका है। इस ड्रम में अभी धान को भिंगो के रखा गया है और ये चूल्हा में भी आग जलाएंगे और इसी में फिर उसनने का काम करेंगे। उसने मतलब गर्म करना, भाफना, धान को भाफने का काम करेंगे अभी। तो आग जलाने जा रही है अभी पत्नी। इस प्रकार का चूल्हा रहता है, लकड़ी उकड़ी का इंतजाम कर चुकी है और इसमें धान डालेगी। और इसमें डाला हुआ है, ये देखिए धान इस प्रकार से। इस वर्ष इतना ही धान हुआ है क्योंकि अकाल का असर है। तो ये ड्रम में देख सकते हैं आप, आग जलना शुरू हो चुका है। अभी इस धान को अलग इसमें रख के और इसमें डाला जाएगा, भरा जाएगा। गर्म हो रहा है, इस प्रकार इसको डाला जाता है उसमें। अभी इसको पूरा भरा जाएगा, धीरे धीरे करके भरा जा रहा है, देख सकते हैं। और आग भी अच्छी खासी मात्रा में जल रही है। मुझे लगता है कि ये अगले 20 मिनट में ही इसमें भाप, केवल इसमें भाप आएगा और थोड़ा थोड़ा गर्म होगा चारों ओर। उसके बाद इसको हम लोग नीचे ढालेंगे, रखेंगे और अगले आठ दिनों तक इस तरह इसको पूरा रख दिया गया है और इंतजार करेंगे हम लोग इसके ऊपर भाप आने तक का। इस तरह गमले से कवर कर दिया जाता है ताकि ठीक तरह से वो पूरा उष्ण हो सके, पूरा खोल सके, भाप पूरे धान में आ सके। ये टोकरी आया हुआ बांस का, जिसमें उसको हम लोग उढ़ेलेंगे ताकि जो पानी उनी हो सके वो निकल सके। और ये सब बाल बच्चे लोग आ गए हैं। दोस्तों अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं गर्म होने का। फिर जैसे ही गर्म होगा, भाप जो वाटर वाला, इसके धान वाला जो भाप है पानी वाला, वो भाप जैसे ही ऊपर आएगा तो हम लोग फिर इसको उढ़ेलेंगे। और उढ़ेलने के बाद फिर इसको 8 दिनों के लिए ऐसे ही जगह पर रखेंगे छांव में। 8 दिन के बाद फिर इसको हम लोग सुखाते हैं छत पर ले जाके, वो जो सामने छत दिख रहा है उस पर ले जाके सुखाएंगे। और सुखाने के बाद फिर इसको चावल बनाने के लिए हम लोग जो चावल कूटने का मील है उसे लाके कुटवाएंगे, तब ये जाके चावल बनेगा। इस तरह धान में पूरा भाप आ चुका है और अभी इसको अब निकाला जाएगा। देख लीजिए एक बार हुआ है कि नहीं। तो अब इसको उतारने का समय हो चुका है क्योंकि जो सनसनाहट था वो समाप्त तो हो चुका है। थोड़ा इसका ऊपर वाला हिस्सा को कम कर लेते हैं। हो गया, एकदम हो गया, सब फट गया है। दोस्तों एक ट्रिप हो चुका है, ये दूसरा ट्रिप अभी हो रहा है और ऐसे ही तीन चार ट्रिप और होगा। वहां से धान ले जाके अभी रखे हुए यहाँ पे और फिर इसको 8 दिनों के लिए रख के छोड़ देंगे पूरे
इस इलाके में 6 में ये सूखता रहेगा। दोस्तों ये 5 से 6 राउंड होने वाला है। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको अपना धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।